पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। बाबर आजम टीम के स्टार बल्लेबाज ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बाबर आजम ने एक बार फिर से कप्तानी छोड़ दी है। इस बात का ऐलान उन्होंने आधी रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किया। बाबर आजम ने इंस्टा पोस्ट किया, एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा कि अब सही वक्त आ चुका है कप्तानी छोड़ने का और एज अ बल्लेबाज खेलने का। ये वाकई में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद भी बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन इस साल PSL के बाद एक बार फिर से बाबर आजम को वनडे और T20 टीम का कप्तान बनाया गया। लेकिन उनकी कप्तानी में टीम का काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप में टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी। उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज में हराया, जिसमें बाबर आजम का एवरेज केवल 16 का था। बाबर आजम की फॉर्म को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर लगातार आलोचना की जा रही थी और अब बाबर ने चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक कुछ ही महीनों पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन फैंस उनका लगातार मजाक भी उड़ा रहे हैं कि बाबर आजम मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का कि चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वाकई में ये समस्या परे है। खैर, अगर बाबर आजम की पोस्ट पर आए, उन्होंने क्या कुछ अपने पोस्ट में लिखा तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देर रात यानी कि 12 बजे के बाद बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, ऐलान किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, प्रिय फैंस, मैं आज आपके साथ कुछ न्यूज़ साझा करने जा रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जो पिछले महीने PCB और टीम मैनेजमेंट दो दिए गए मेरे नोटिफिकेशन से प्रभावी है। इस टीम की कप्तानी करना बहुत ही गर्व की बात रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं इस पद को छोड़ दूँ और खेल की भूमिका पर ध्यान लगाऊँ। कप्तानी का रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये एक अहम वर्कलोड को जोड़ती है। मैं अपने प्रदर्शन को प्राथमिकता देना चाहता हूं, अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहता हूं और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, जिससे मुझे खुशी मिलती है। बाबर ने अंत में लिखा, पद छोड़ने से मैं आगे बढ़ने में स्पष्टता हासिल करूंगा और अपने खेल और निजी विकास पे ज़्यादा एनर्जी ला सकूंगा। ये वाकई में एक शॉकिंग डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी करीब से फॉलो करने के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड करते थे, 2021 के वर्ल्ड कप में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, खिताब नहीं जीत पाए, 2022 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी टीम ने फाइनल तक एंट्री की थी, लेकिन पिछले साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। अगर पिछले एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस की बात करें या फिर क्या कुछ वहाँ पर देखने को मिला उसकी बात करें, पिछले साल भारत की सरजमी पर वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था जहां पर पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से हारकर बाहर हो गई। उसके बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान लौटने के बाद सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को T20 का नया कप्तान नियुक्त किया गया, लेकिन PSL 2024 के बाद शाहीन को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया गया। T20 विश्व कप में जब बाबर कप्तान बने तो टीम फिर से T20 विश्व कप 2024 के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी और अब एक बार फिर से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का काफ़ी शर्मनाक परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ना बतौर बल्लेबाज बाबर ने परफॉर्म किया, ना उनकी कप्तानी का जलवा देखने को मिला। UAE से पाकिस्तान की टीम हार गई थी, आयरलैंड से टीम हारते हारते बची थी और भारत के खिलाफ ये टीम 120 रनों के मामूली से टारगेट को भी चेज नहीं कर पाई थी। बाबर आजम की कप्तानी पर लगातार सवाल या निशान उठ रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी टीम को 2-0 से मिली हार का सामना करना पड़ा, जहां पर बाबर का बल्ला बिल्कुल नहीं चला। 4 पारियों में से वो शून्य पर भी आउट हुए और उनका एवरेज केवल 16 का था। बाबर आजम की लगातार आलोचना की जा रही थी, अब बाबर ने अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक बार फिर से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि टीम का नया व्हाइट बॉल कैप्टन कौन होगा उसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद है और 7 तारीख से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जहां पर बाबर आपको एज अ बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम के इंटरनेशनल करियर की बात करें, पिछले 8-10 सालों में बाबर ने पाकिस्तान के लिए वाकई में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। अगर उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 294 मैच खेले, जिसमें लगभग 48 की शानदार औसत के साथ उन्होंने 13,836 रन बनाए। बाबर के नाम पर 94 अर्धशतक और 31 शतक दर्ज हैं। बाबर के कप्तानी छोड़ने के फैसले को आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन कौन होगा, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।